हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजना और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसी कमाल की होम रेमेडी जिसे सिर्फ एक बार यूज करने से ही आपके पूरे स्किन की यानी कि आपके फेस में स्किन रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स जड़ से सॉल्व हो जाएगी। हमें सिर्फ घर से दो तीन ऐसे प्रोडक्ट्स उठाने हैं जो कि हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होते हैं और उसे मिलाकर अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। सिर्फ वन टाइम यूज में ही आपके स्किन रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएगी। चेहरे पर आए हुए ब्लैक स्पॉट्स यानी कि काले धब्बे दूर हो जाएंगे, डार्क सर्कल वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लिप्स के एरिया में अगर आपके कालापन आ गया है तो वो वाली प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह के ढेर सारे एकदम नेचुरल और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होम रेमेडीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी को बनाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ले लेनी है, वो है बनाना यानी कि केले का छिलका। इस केले के छिलके को इस तरह से छील कर मीन्स उसके ऊपर का जो लेयर है उसे ऐसे रिमूव कर देना है किसी भी नाइफ या स्पून की हेल्प से। उसके बाद इसे बीच में से सेंटर में से कट कर देना है। कट कर इसे दो टुकड़ों में डिवाइड कर देना है ताकि हम अपने फेस पर ईजिली इसे अप्लाई कर सकें। उसके बाद हमें इसे फिल करना है कुछ टर्मरिक पाउडर से यानी कि हल्दी पाउडर हमें अपने केले के छिलके में इस तरह से फैलाकर डाल देना है। और फिर हल्दी पाउडर के बाद हमें इसमें ऐड कर देना है शुगर। शुगर ऐड करने का मतलब है कि हम अपने स्किन को पूरी तरह से स्क्रब करेंगे और शुगर हमारे स्किन को स्क्रब करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर हमने ऐड कर दिया इस होम रेमेडी में हनी। अब हनी ऐड कर देने के बाद ये तीनों चीज़ों के मिक्सचर को यानी कि हल्दी, चीनी और हनी के मिक्सचर को पूरे से मिक्स कर देना है और फिर अपने फेस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। अभी फेस में थोड़े से ब्लैक स्पॉट्स है, रफनेस है, डलनेस है, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एकदम बेस्ट तरीका है ये वाली होम रेमेडी, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर मैंने केले के छिलके में दो से तीन चीज़ें ऐड कर दी, जैसे कि हल्दी हो गया, चीनी हो गई और फिर शहद। ये तीनों चीज़ें ऐड कर देने के बाद अब मैंने अपने फेस पर इसे सर्कुलर मोशन में लगाना स्टार्ट कर दिया है। शुगर हमारे फेस को पूरी तरह से स्क्रब कर देगा और स्क्रब करते करते हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स वाली प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर देगा। और फिर हमने ऐड किया था इस होम रेमेडी में टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। हल्दी में तो हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो हल्दी हमारे स्किन को पूरी तरह से हील कर देगा और एकदम ग्लोइंग बना देगा, एकदम नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। टर्मरिक पाउडर फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसे वीक में एटलीस्ट हमारे फेस पर एक बार तो किसी न किसी होम रेमेडी में ऐड करके ज़रूर अप्लाई कर लेना चाहिए। और फिर हमने हनी ऐड किया था, तो हनी हमारे स्किन से ड्राइनेस और रफनेस को रिमूव कर देगी। जितने सारे भी डेड स्किन है ना, वो सारे डेड स्किन को हनी ईजिली रिमूव कर देगी और हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगी। ये वाली होम रेमेडी अप्लाई करने के बाद जब आप नॉर्मल पानी से फेस वॉश करेंगे ना, आपको आपका स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आएगा और इसका असर 4 से 5 दिनों तक रहता है। मीन्स आप अगर वीक में 2 बार भी लगाते हैं ना ये वाली फेस पैक को अपने ऊपर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। बाहर से कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर लास्ट में ना, जब पूरा ख़त्म होने लगे ये फेस पैक केले के छिलके से, तो केले के छिलके को इस तरह से पील करना है, मीन्स नेल से या फिर चम्मच की हेल्प से फिर से खुरदुरा करके अप्लाई करना है। उसके बाद केले के छिलके को फेंक देना है। फिर जो थोड़ा बहुत फेस पैक है, अगर आपको लग रहा है कि केले के छिलके से मिक्सअप नहीं हो पाया, तो उसे अपने हाथों से फिंगर्स की हेल्प से सर्कुलर मोशन में पूरे फेस को मिक्सअप कर देना है। डार्क सर्कल वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, फेस पर काले धब्बे है काले धब्बे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लिप्स में ब्लैकनेस आ गई है तो लिप्स को भी ये पूरा पिंकिश पिंकिश सा बना देगा। फेस पर इस तरह से अगर आप मसाज देंगे तो स्किन को टाइटन करेगा। अब हमारी स्किन ग्लो करने वाली है, सिर्फ 10 मिनट का डिफरेंस है। तो जब 10 मिनट कंप्लीट हो जाए तो हमें नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। आफ्टर वॉशिंग जब आप देखेंगे ना, तो रिजल्ट बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट मिलने वाला है। स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है, डार्क सर्कल्स यानी कि आंखों के नीचे के काले घेरे खत्म हो गए हैं, ब्लैकहेड्स वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, ऑल ओवर स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है। अब मैं यहाँ पर कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर यूज़ किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर यूज़ करने के बाद अगर किसी भी प्रोडक्ट से आपको कोई एलर्जी होगी, इरिटेशन होगी, तो वो वाली प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है। ऐसे ही स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, आज के इस बनाई हुई होम रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई करके देखना। मुझे तो ये वाली होम रेमेडी बहुत ज्यादा पसंद आई है। अब आप देख सकते हैं होम रेमेडी अप्लाई कर लेने के बाद मेरी स्किन कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है और ये सारा का सारा ग्लो एकदम नेचुरल है। इसमें किसी भी तरह का केमिकल हमने यूज
यूज नहीं किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज थी इस होम रेमेडी की, वो थी बनाना यानी कि केला, जो हमारे स्किन के सारे प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर देगा। अगर आप चाहें तो इस होम रेमेडी को यानी कि इस फेस पैक को बनाकर अपने बॉडी में यानी कि हाथ और पैर में, नेक के पीछे वाले पोर्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजीली आपको वन टाइम में रिजल्ट मिलेगा। ऐसे 5 मिनट में ग्लोइंग स्किन मिल जाएगी आपको। इसी तरह की ग्लोइंग स्किन सिर्फ 5 मिनट में पाने के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर काफ़ी टाइम से हैं, मेरे वीडियोस अक्सर देखा करते हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने गर्ली गैंग या फिर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एकदम नेचुरल और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम रेमेडी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।